शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंगलवार को पशु खाद्य के आड़ में अवैध तरह से ले जा रहे शराब के बॉक्स से भरे ट्रक को कोराड़ी नाका में पकड़ा गया है। इस कार्य को आबकारी विभाग महाराष्ट्र राज्य मुंबई के भरारी पथक के निरीक्षक प्रसाद शास्त्रकार और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। गाड़ी में पकड़ी गई शराब कीमत 51 लाख से अधिक बताई जा रही है। ट्रक क्रमांक MH18AA1759 में 800 बोरी पशु खाद्य खारगांव से छत्तीसगढ़ ले जाने का दिखाकर 500 से 600 गोवा विस्की की बोतलें पशु खाद्य की बोरी के पीछे छिपाकर मध्य प्रदेश से चंद्रपुर ले जाया गया था, जिसे नागपुर भंडारा रोड पर आबकारी विभाग ने पकड़ा है। आबकारी विभाग महाराष्ट्र राज्य मुंबई आयुक्त कांतिलाल उमाप और संचालिका उषा वर्मा आदेश के अनुसार निरीक्षक प्रसाद शास्त्रकार के साथ द्वयम निरीक्षक काले कामली कुम्हार और अन्य विभागीय कर्मचारियों ने अंजाम दिया। आगे की जांच आबकारी विभाग कर रही है। आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट्र राज्य मुंबई श्री कांतिलाल उमाप साहेब यांच्या निर्देशानुसार व माननीय संचालिका उषा वर्मा मॅडम यांच्या आदेशानुसार निरीक्षक महाराष्ट्र राज्य भरारी पथक मुंबई या पथकानं काल नागपूर भंडारा रोडवर ही कारवाई केलेली आहे। सदर ट्रकमधून 800 गोण्या ह्याचा खाद्य असल्याचं पशुखाद्य असल्याचं दाखवून तो खारगाव इथून छत्तीसगडमध्ये जाणार असल्याचं दाखवलं होतं, पण प्रत्यक्षामध्ये याच्या मागे त्यांनी 300 गोण्यास ठेवून आणि मध्ये 600 बॉक्स अशी गोवा विस्की ही मध्य प्रदेश राज्यात बनवलेली दारू ही ते चंद्रपूरमध्ये नेत असताना आम्ही ती पकडलेली आहे। सदर कारवाईमध्ये एकूण 51 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। सदरच्या कारवाईमध्ये माझ्यासोबत दुय्यम निरीक्षक श्री काळेल कांबळे कुंभार व येथील विभागीय भरारी पथकाच्या स्टाफने आम्हाला मदत केली।